साथियों नमस्कार, प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट्स की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, वो टॉपिक है बिजली विभाग। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हाइडल जो है, हाइडल के जो बिल जो आते हैं वो इतने बेतुके बिल होते हैं कि आपका यूजेस जो है, आपने उपयोग बहुत कम किया और बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया, या किन्हीं बिजली वालों ने आपका बिल बहुत ज्यादा बना करके भेज दिया, आपके बिल को ओवरलोड दिखा दिया, आप पे पेनल्टी इम्पोज कर दी, जब आप बातचीत करने गए तो उन्होंने आपसे रिश्वत की मांग की और आपका शोषण किया, या आपका कनेक्शन लगातार चल रहा है उसके बाद भी आप पर बिजली चोरी की FIR दर्ज करवा दी, सेक्शन 135 विद्युत अधिनियम जो उसके अंतर्गत। तो आज हम इसी पर बात करेंगे आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग छोड़ के नहीं जाइए, वीडियो को पूरा देखें, आप लोग स्किप ना करें। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्सर ये देखने में आता है कि जनरल जो हमारी घरेलू जो बिजली होती है, घरेलू हो या व्यावसायिक हो, उनके रेट्स अलग अलग होते हैं, उनके जो क्लॉज हैं बिल चुकाने के, उनकी जो रेट लिस्ट है वो अलग अलग, उसको स्लैब कहा जाता है उनकी भाषा में। तो स्लैब्स के रेट अलग अलग होते हैं, घरेलू के अलग, औद्योगिक के अलग और किलोवाट के हिसाब से अलग। तो उस रेट की हम बात नहीं करेंगे, रेट तो है ही स्लैब्स के हिसाब से अलग अलग। आज हम बात करने आए हैं यहाँ पर कि आपका जो कनेक्शन है घरेलू, आपका उपयोग जो हुआ, आपको पता है आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की। आज का जो उपभोक्ता है, बड़ा स्मार्ट उपभोक्ता है, उसको पता रहता है कि उसके घर में कितने बिजली की खपत है और उसका बिल कितना आना चाहिए। आपकी बिजली की खपत से बहुत ज्यादा आपका बिल आया, आपका जब बिल आया तो आपका देख के बिल आपका सिर चकराया और आपने कहा कि बिल बहुत ज्यादा है। आप बिजली घर गए, जेई से मिले, अपने SDO जो खंड प्रभारी होते हैं बिजली घरों के, उनसे मिले, आप बड़े अधिकारियों से मिले, अधीक्षण अभियंता से मिले, चीफ इंजीनियर से मिले, यहां तक कि आप प्रदेश तक गए, लखनऊ तक गए, दिल्ली तक गए, या जो भी आपके प्रदेश हैं, आप लखनऊ तक भी अप्रोच कर रहे हैं तो भी आपका काम नहीं बन पा रहा है और आपसे ये कहा जा रहा है कि बिल आया है तो चुकाना तो पड़ेगा। ऐसे में आपके पास क्या रेमेडी है, आज इस पर बात करेंगे। तो अगर आपका बिल बढ़ा हुआ आया है, जितना उपयोग आपने नहीं किया है, या गलत तरीके से आपको बिजली चोरी में फंसा दिया गया है, या गलत तरीके से आपका ओवरलोड करवा दिया गया है, तो इन चीजों को लेकर के बिजली अधिनियम जो है उसमें आपके लिए बहुत सारी रेमेडी दी गई है। जैसे कि किसी के घर के बाहर बिजली का मीटर लगा है, बिजली के मीटर आप देखेंगे अमूमन लोगों के घर के बाहर ही होते हैं, अगर किसी के घर के बाहर बिजली का मीटर लगा है और वो मीटर किसी भी कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, जल जाता है, तो उस बिजली के मीटर की जो कॉस्ट होगी वो बिजली विभाग देगा, ना कि उपभोक्ता। और अक्सर ये देखने में आया है कि बिजली विभाग नया मीटर तो लगा देता है, लेकिन उस पुराने मीटर की जो कॉस्ट है, जो जल गया, खराब हो गया, नष्ट हो गया, उसकी कॉस्ट को वो उपभोक्ता से वसूल करते हैं, जो बिल्कुल ही इल्लीगल है। और कभी कभी बहुत ज्यादा यूनिट्स को, बहुत ज्यादा लोड को आपके बिल में दर्शा देते हैं, और जब आप उनको अपना बिल कम करवाने के लिए जाते हैं तो वो आपसे डील करते हैं, आपको सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो ब्लैकमेल करते हैं, आपसे रिश्वत की मांग करते हैं बिजली के बिल को सही करने के लिए। तो आपका बिजली का बिल ओवरलोड किया हुआ है बिजली विभाग के द्वारा, आपका बिल जमा है फिर भी आपका कनेक्शन काट दिया गया है, आपसे रिश्वत की मांग की जा रही है, या आपका जो बिजली का जो मीटर है उसका जो चार्ज है वो आपसे लिया जा रहा है, तो इन सारे मसलों में आप अपने जिले के जो उपभोक्ता जो कोड हैं, कंज्यूमर कोड जो है आपके जिले के, अपने जिले के उपभोक्ता कोड में जाइए, कंज्यूमर कोड में जाइए और बिजली विभाग के विरुद्ध जो केस है वो दायर करिए। इसमें आपको बिजली विभाग से जो चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं, जैसे कि मीटर की कॉस्ट आपसे ली गई, तो मीटर की कॉस्ट आपको बिजली विभाग वापस कराएगा। आपने उनसे मुकदमा लड़ा, मुकदमे के दौरान जो आपका खर्चा हुआ मुकदमा लड़ने का, कंज्यूमर कोर्ट वो खर्चा आपको दिलाएगा। इसके अलावा आपको जो मानसिक और शारीरिक कष्ट हुआ न्यायालय आने में, केस को लड़ने में, इसके लिए वो आपको क्षतिपूर्ति भी दिलाएगा। और आपका बिल जमा है या ऐसी कोई घटना, आपसे बिजली के बिल के, आपसे मीटर के पैसे ले लिए और इस चीज को लेकर आपको अगर अपमानित भी किया गया है, तो इसके लिए आपको कंज्यूमर कोर्ट से मानहानि भी मिलेगी, या आप अलग से इंडियन पेनल कोड में, अपने कोर्ट में जाकर के इस चीज के लिए अलग से या तो आप FIR लिखा सकते हैं,
या कोर्ट में परिवाद दर्ज कर सकते हैं। आपको अपनी मानहानि की वहां से क्षतिपूर्ति भी मिलेगी और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए जेल जाना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपके सुझाव, आपके कमेंट आमंत्रित करता हूं। अगर आप लोग इस विषय पर ज्यादा जो पूछना चाहते हैं, आपकी जो भी क्वायरीज हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उन सारी क्वायरीज का जवाब दूंगा। और आप लोग अगर मुझे कुछ टॉपिक सुझाएंगे, कुछ विषय सुझाएंगे बिजली विभाग के ऊपर, तो मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से चौधरी लीगल एसोसिएट की टीम के साथ मिलकर उस विषय पर आपको वीडियो भी उपलब्ध करवाऊंगा। अब दीजिए इजाजत, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।